हालांकि बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अब बीएससी इन एनिमेशन कर रहे हैं, अगर हम करते हैं तो उसके बाद क्या स्कोप है, किस तरीके से बीएससी इन एनिमेशन के बाद हमें क्या क्या करने को मिल सकता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में यही डिटेल में बताता हूँ कि व्हाट इज द स्कोप आफ्टर बीएससी इन एनिमेशन। तो देखो बीएससी इन एनिमेशन दो तरीके से आपको करने को मिलेगा, ये चीज आप ध्यान में रख लो। पहला तरीका ये होगा कि बीएससी इन एनिमेशन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जो लोग खास करके किसी भी कॉलेज के साथ एफिलेटेड है, तो वहां पे जो आपको बीएससी इन एनिमेशन करने का फायदा होगा वो थोड़ा अलग होगा। और अगर आप डायरेक्टली किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो वहां से बीएससी इन एनिमेशन करने के अलग फायदे होंगे। देखो जनरली बीएससी इन एनिमेशन का जो कोर्स है उस कोर्स में जनरली 3 साल का होता है, और अगर कहीं से आप बीडी से कर रहे हो तो आपको 4 साल का प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन वैसे 3 साल का ही कोर्स है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आजकल ग्रेजुएशन को भी 4 साल कर दिया गया है। लेकिन 3 साल का जो ये पढ़ाई है, ये 3 साल में जो आपको सीखने को मिलेगा वो है क्या क्या मिलेगा आपको। तो अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग करिकुलम्स हैं। जैसे अगर आप YCMOU जो यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, वो पुणे में नासिक में है आई थिंक एस्टैब्लिश, तो उनका जो है उनमें आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग और एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, ये 3 साल में कैटेगराइज है। लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपको जो 3 साल में मिलेगा वो होगा, उसके अंदर होगा ग्राफिक डिजाइन, और उसके अंदर आपको मिलेगा 2D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, उसमें ऑडियो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग दोनों इंक्लूडेड रहता है, और उसके साथ ही साथ आपको वहां पर सीखने को मिलेगा एनिमेशन एंड VFX। अब ये जो 3D है, 3D के अंदर में बहुत सारी चीजें जैसे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक्स, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जो VFX होगा उसके अंदर FX के भी पार्ट होंगे, विजुअल इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग होगा, साथ ही साथ आपको उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जैसे 3D इक्वलाइजर हो सकता है, PF ट्रैक होगा, हुडिनी भी हो सकता है, बहुत लोग अनरियल इंजन सिखाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको देखना होगा कि कौन सा कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर 3D एनिमेशन, सपोज मान लो कि हमने बीएससी इन एनिमेशन किया तो हमें स्कोप क्या मिलने वाला है, तो देखो अगर आप बीएससी इन एनिमेशन करते हो और अगर दिल लगा के करते हो, अच्छे से करते हो, तो 2-3 चीजें तो आपको तय है कि आप एक तो कि ग्राफिक डिजाइन में अपनी करियर बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन के अंदर में आपको कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिजाइन वगैरह सिखाई जाती है, साथ ही साथ आपको 2D एनिमेशन के लिए कुछ लोग एनिमेट सिखाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कि टून बुन हारमोनी तो बहुत कम ही सिखाएंगे कॉलेज वाले, क्योंकि वो इतना अपडेटेड तो आपको नहीं मिलेगा, टून बुन हारमोनी वहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ 2D एनिमेशन में आपको एनिमेट मिल जाएगा, और अगर आप एनिमेट भी अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छा खासा काम कर सकते हो ऑन 2D एनिमेशन। एंड आफ्टर दैट अगर आपको लगे कि 2D एनिमेशन में हमें और आगे जाना है, देन आपको उसके लिए स्टोरी बोर्ड प्रो, मांगा स्टूडियो, 2D एनिमेशन के लिए टून बुन हारमोनी, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी अगर आप प्रॉपर 2D एनिमेशन में जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सारी चीजें सीख रहे हो तो आपको ग्राफिक्स डिजाइनर का स्कोप मिल जाएगा, आप 2D एनिमेटर के जॉब रोल पे काम कर सकते हो, आप वीडियो एडिटर बन सकते हो। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऑडियो एडिटिंग जो सिखाते हैं, क्या ऑडियो एडिटिंग यहाँ से हम सीख के एज एन ऑडियो एडिटर काम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऑडियो एडिटिंग जो है वो कम्प्लीटली एक हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम होता है जो कि इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे शायद आपको वो रोल ना मिले। लेकिन हालांकि ऑडियो एडिटिंग कहाँ से सीखे, क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से पूरी की पूरी एक वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुझे साउंड इंजीनियरिंग करना है, क्या होता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सो डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्कोप आफ्टर 3D एनिमेशन। तो आपको सेकेंड ईयर में जाकर आपको 3D से रिलेटेड चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। लेकिन 3D एनिमेशन जब आप सीखोगे, यानी कि 3D और एनिमेशन दो पार्ट होगा, जैसे 3D में आपको मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक उसी तरीके से विजुअल इफेक्ट्स में। तो अगर आप 3D को अच्छे से सीखते हो तो आप एज अ मॉडलिंग आर्टिस्ट, एज अ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट काम कर सकते हो, एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट काम कर सकते हो, एज अ रिगिंग आर्टिस्ट काम कर सकते हो। हालांकि आजकल रिगिंग और एनिमेशन एक कंबाइन प्रोग्राम चलता है लोगों का, मतलब कहीं भी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा रिगर का डिमांड आजकल बहुत कम रहता है, क्योंकि रिगिंग और एनिमेशन जनरली लोग करते हैं, और बहुत बार तो रिगिंग जो है वो प्रोग्राम्स, उनके कुछ टूल्स होते हैं और उसके जरिए भी लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है कि एनिमेशन का, तो आप एनिमेटर भी बन सकते हो। और विजुअल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो विजुअल इफेक्ट्स में आपको, आप रोटो आर्टिस्ट में जा सकते हो,
मैच मूव आर्टिस्ट में जा सकते हो, आप क्लीनअप आर्टिस्ट में भी जा सकते हो, मैट पेंटिंग आर्टिस्ट आप बन सकते हो, आप कंपोजिटर बन सकते हो, एफएक्स आर्टिस्ट भी बन सकते हो अगर आपने एफएक्स की पढ़ाई करी है तो। सपोज एफएक्स के लिए आपको हुडनी हो गया, रियल फ्लो हो गया, फ्यूम एफएक्स हो गया, हालांकि फ्यूम एफएक्स थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन हाँ अगर आपने हुडनी, रियल फ्लो ये सारी चीज़ें अगर आपने सीखी है तो डेफिनेटली आप एफएक्स आर्टिस्ट में भी जा सकते हो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छा खासा एक जो पोर्टफोलियो है वो बनाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखी जाए तो बीएससी इन एनिमेशन के बाद आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, जो दूसरे किसी स्ट्रीम से कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इतना अपॉर्चुनिटी दूसरे किसी स्ट्रीम में तो नहीं है। बीएससी इन एनिमेशन करने के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैंने अभी एक कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू चूज स्पेशलाइजेशन, लाइक आप किस तरीके से स्पेशलाइजेशन करोगे किसी भी पॉइंट पे अगर जॉब पर्पस पे, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन में होगा, नहीं तो फिर इस वीडियो के एंड में आपको जरूर मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्कोप क्या है आफ्टर बीएससी इन एनिमेशन करने के बाद, और कहाँ से करें इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोज बनाई हैं, तो आप जाइए बहुत सारे कॉलेजेस के हमने रिव्यू किए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हो, हम कॉल पे भी अवेलेबल रहेंगे। बजरते उसके लिए आपको करना इतना होगा कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शायद आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होता तो अब तक हमारा 10,000 सब्सक्राइबर पार हो गया होता। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, इस चैनल को सपोर्ट किया है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो आपका भी भला होगा और बाकी लोगों का भी भला होगा, क्योंकि उन सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, एक सही मेंटोरशिप की आप सबको ज़रूरत है, और मुझे पता है कि आप सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई साहब पढ़ाई में ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी आप सीख रहे हो तो फिर आपको आपकी करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।